हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैस्टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फिश बोन डायग्राम की कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं कि है क्या। तो ये जापानीज कल्चर से आया है, क्वालिटी सर्कल के। क्वालिटी सर्कल का एक फोरम रहता है, उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ों पर काम करते हैं, उसमें से एक है रूट कॉज एनालिसिस, और वहीं से ये डायग्राम आया था। इसका ओरिजिनल नेम इशिकावा डायग्राम है, या फिर इसको कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, या फिर फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्योंकि कुछ कॉसेस जो है वो मैन से रिलेटेड है, कुछ मशीन से, मटेरियल से, मेथड से, मैनेजमेंट से, मनी से, तो क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट होती है। तो मेनली ये क्वालिटी के इश्यूज को फाइंड, उसके कॉज और इफेक्ट को फाइंड करने के लिए यूज किया गया था। पर हम इसको सेफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स के कॉज और इफेक्ट एनालिसिस को फाइंड करने के लिए भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। तो इससे जो है कॉज पता करे जाते हैं और उसके रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं, और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए इसको सेम हम यूज कर रहे हैं। देखते ही आगे क्या है इसमें। तो हाउ फिशबोन डायग्राम रूट कॉज एनालिसिस वर्क्स। अब कैसे काम करता है फिशबोन का डायग्राम। तो रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक जो है, या फिर जिसको हम फिशबोन इशिकावा कह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काओरू इशिकावा ने 1960 में इसको क्रिएट किया था एज अ क्वालिटी कंट्रोल टूल। कि क्वालिटी कंट्रोल का ये टूल है, इसलिए इसका नाम इशिकावा पड़ा, क्योंकि उनका प्रोफेसर का नाम था इशिकावा, काओरू इशिकावा। अब फिशबोन डायग्राम एक सैंपल है जो कि एक फिश जैसा ही दिखता है। अब इसमें क्या है, फिश की जो फिश का जो मुंह है वहाँ जो है वह मेजर इफेक्ट आ जाता है, और फिश के जो बैकबोन से वो मेजर फैक्टर से कंट्रीब्यूटिंग उस इफेक्ट को लाने के लिए, और छोटी छोटी जो उसमें वेन्स है वो उसके सब कॉसेस है, वो सब है। तो इस चीज़ को करने से तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी, ये हमारा इफेक्ट निकल कर आएगा, या तो वो चीज़ होगी या वो चीज़ नहीं होगी। तो मेजर बोन्स जो है अटैच टू द बैकबोन्स जो रहेगी, तो मेजर जो बैकबोन्स रहेगी वो जो है उसमें मेन कॉसेस रहेंगे। देखते आप यहाँ है, ये देखिए ये फिश है, फिश की टेल है, ये उसकी मेजर जो ये चल रही है, इसका मुंह है। तो यहाँ पे जो है हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ये जो इसकी बैकबोन्स है, ये बैकबोन्स जो है ये एक एक कॉज को हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, एनवायरनमेंट, मेजरमेंट, मनी, मैनेजमेंट, और ये मिलके एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है प्रॉब्लम का फिर इफेक्ट निकल कर आएगा। तो हम इसकी बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए एक और फिशबोन डायग्राम का टेम्पलेट है, यहाँ पे जो है मेजर सारे कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस आ जाएंगे, सारे के सारे कॉजेस, जितने भी कॉज आपको इस ऑप्शन के जितने भी कॉज लग रहे हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। और इसको हम आगे देखते हैं, ये देखिए ये एक और फिशबोन डायग्राम, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेस जो भी है और उसका इफेक्ट क्या है। तो मेन जो मेजर जो बीच की सेंटर लाइन है वहां से हम इफेक्ट को ज्वाइन करेंगे, और सारे कॉजेस मिलके वो इफेक्ट को डिराइव कर रहे हैं, फिर हम इन कॉजेस को जो है अलग अलग दूर कर देंगे, और इस तरह से हम फिशबोन डायग्राम से कॉज और इफेक्ट एनालिसिस निकालते हैं। और इसमें देखते हैं क्या है, देखिए ये फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिफेक्ट एक्स एक्स एक्स, तो ये सारे जो है डिफेक्ट एक्स एक्स की सेंटर लाइन बन गई है। अब फैक्टर्स जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेजरमेंट के, मटेरियल के, पर्सनल के, एनवायरनमेंट के, मेथड्स के, मशीन्स के, ये बैकबोन के जो मेजर फैक्टर्स है वो है। अब इसके सब फैक्टर्स क्या है, मेजरमेंट में क्या प्रॉब्लम होगी, कैलिब्रेशन की, ये उसका कंट्रीब्यूटिंग कॉज है, राइट, या ये मेजर कॉज है और ये उसके सब कॉजेस है। कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी मेजरमेंट में, माइक्रोस्कोप्स की या इंस्पेक्टर्स की, मटेरियल्स में अलॉय, ल्यूब्रिकेंट, सप्लायर्स की प्रॉब्लम रहेगी, पर्सनल में शिफ्ट्स, ट्रेनिंग, ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम रहेगी, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रोल प्ले कर रहे हैं, मेथड्स में एंगल, इंगेजर और ब्रेक रोल प्ले कर रहे हैं, मशीन्स में स्पीड और ब्लेड वियर रोल प्ले कर रहे हैं, और डिफेक्ट हमको निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से ये बनता है। और हम आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मैनेजमेंट, यहाँ पे सारे कॉजेज है और ये इफेक्ट आ रहा है डिटेरेशन इन क्वालिटीज में। ये ओरिजिनल फिशबोन डायग्राम है जो कि इस तरह का रहता है। और इसमें हम आगे देखते हैं तो देखिए फिर वही मैन, मशीन, मेथड्स, मेजरमेंट, मटेरियल्स, मदर नेचर, और उससे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है या जो इफेक्ट है वो आ रहा है। मैन में पर्सनल, मशीन में इक्विपमेंट की बात हो रही है, मेथड्स में डॉक्यूमेंट्स, एसओपीज, बीआरस, इन सब की बात हो रही है, मेजरमेंट में प्रिसिशन, मटेरियल्स में टूल्स, कंज्यूमेबल की, और मदर नेचर में एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो मेन ये हम एक्सीडेंट में यूज करते हैं कि ये चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पर। और हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
देखिए ये कॉजेस आते हैं, और यहाँ जो इसका जो मुंह है, फिश का जो मुंह है, वहां पर हम इफेक्ट या फिर प्रॉब्लम की बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम उससे हो रही है, क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे इक्विपमेंट, ये बैक बोन से देखिए मेन मेजर बैक बोन्स में जो है मेन मेन कॉजेस आ जाते हैं, इक्विपमेंट, प्रोसेस, पीपल, मटेरियल्स, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, और फिर ये जो लाइन है छोटी छोटी, यहाँ पे सेकेंडरी कॉजेस आते हैं। ये प्राइमरी कॉज की लाइन है ये वाली, और उसके साथ साथ सेकेंडरी कॉजेस आते जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं और स्टेप थ्री, अब हम देखते हैं इसमें पीपल, मटेरियल, मेथड और मशीन, हमको क्या इफेक्ट आ रहा है। टेक्नीशियन स्लिप्ड ड्यूरिंग रूटीन इंस्पेक्शन करते हुए पर्सन स्लिप हो गया, तो अब पीपल में क्या फॉल्ट हो सकता है, सप्लाई स्टाफ, एमआरओ स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ और इंस्पेक्टर स्टाफ। फिर एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रूटीन ऑपरेशन का स्टाफ, मटेरियल्स में पार्ट्स यूज्ड ऑन मशीन्स, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मेथड में इंस्पेक्शन की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस की ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस की प्रोसीजर्स, मशीन में बात करें तो इंस्पेक्शन की हिस्ट्री, मेंटेनेंस हिस्ट्री और एज ऑफ द मशीन, ये सारी चीजें जो है इसमें कॉजेस बनकर आ रही, कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेस फॉर दिस इफेक्ट टू हैपन। तो ये एक डायग्राम है, और हम इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। इन द एग्जाम्पल बिलो, अब एक एग्जाम्पल आएगा जिसमें मेजर फैक्टर्स रहेंगे साइट, टास्क, पीपल, इक्विपमेंट, कंट्रोल, और इसका कैसे बना है। देखिए ये बना, इसमें इस तरफ मछली का मुंह कर रखा है, तो इसका जो इफेक्ट है मेजर वो क्या आ रहा है, अनकोऑपरेटिव ब्रांच ऑफिस। अब अनकोऑपरेटिव ब्रांच ऑफिस क्यों है, उसकी मेजर जो है एक तो साइट हो सकती है वजह, टास्क वजह हो सकती है, पीपल वजह हो सकती है, इक्विपमेंट वजह हो सकती है, कंट्रोल वजह हो सकती है। तो अब एक एक देखते, साइट वजह में क्या हो सकता है, साइट में रनडाउन एरिया, स्पेशियस ऑफिसेस, रीजनेबली प्लीजेंट बिल्डिंग, ये सब है। रनडाउन एरियाज में क्राइम हो रहा है, चीप फीलिंग होता है, डिप्रेसिंग फीलिंग होता है। टास्क में रिजल्ट है गुड है मेनली, या फिर सेल्स में डिप्रेस्ड एरिया में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कंपैरिजन विद रिच एरिया ऑफिसेस, डू दे नो वी आर हैप्पी। पीपल में जॉन, मार्क, जैन, ये तीन लोग होंगे। अब जॉन के पास जो है प्रोसीजर, प्रोडक्टिव, प्रिकली है तो क्यों है। फिर मार्क जो है अनमोटिवेटेड है तो इस दिस इन्फेक्शियस, क्या वो इन्फेक्ट कर रहा है और लोगों को अपने जैसा अनमोटिवेट कर रहा है। कैपेबल व्हेन सुपरवाइज, मार्क को सुपरवाइज करते तब वो कैपेबल हो जाता है। जैन जो इफिशियंट है, ऑप्टिमिस्टिक है। सैली जो है जस्ट डज जॉब, अपना काम करता है। तो ये चार प्रकार के लोग हैं वो इस तरह से ऐसे कर रहे हैं। इक्विपमेंट की बात करें तो रीजनेबली मॉडर्न इक्विपमेंट है। ईमेल डाउन और फॉर अ वाइल, इक्विपमेंट ईमेल डाउन हो जाता है, मतलब डाउन रहता है ईमेल। डिड ऑल द ईमेल अपडेट्स गेट थ्रू, तो आपको सारी ईमेल्स टाइम पर मिलते हैं क्या, इक्विपमेंट का प्रॉब्लम। कंट्रोल की बात करें तो जैन मिस्ड लास्ट ब्रांच मैनेजर्स मीटिंग, जैन ने मिस करी मीटिंग क्यों। डज शी अंडरस्टैंड चेंजेस टू सेल्स स्ट्रेटेजी, तो क्या उसको वो सेल्स में जो चेंजेस होते हैं समझ में आए। फिर अर्जेंट जॉब्स हैव प्रिवेंटेड मच कॉन्टैक्टेड रिसेंटली, अर्जेंट जॉब्स हैव प्रिवेंटेड मच कॉन्टैक्ट रिसेंटली, अर्जेंट जॉब्स जो थे उन्होंने रिसेंटली प्रिवेंट करा मिलना। तो ये सब जो चीजें थी ये पूरा एक मिलके निकल कर आ रहा है इफेक्ट। तो ये काफी डिस्क्रिप्टिव था इसमें, हम इसमें आगे देखते हैं। तो ये एक और है जो मैं समझा रही हूँ, इसमें जो है इफेक्ट ये आया है, द पार्ट इज प्रोड्यूस रॉन्ग, क्वालिटी का जो है ये टोटल देखा जाए तो इश्यू है कि जो पार्ट है वो गलत साइज का बन गया है। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मटीरियल, मेजरमेंट, मशीन, मेथड, एनवायरनमेंट, पीपल, ये मेन जो छह पिलर्स हम लेते हैं उसी पे काम करेंगे। तो मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में रॉन्ग स्पेसिफिकेशन ले लिया मटेरियल का, पुअर स्टोरेज कंडीशंस, वॉर्न आउट मटेरियल क्या है। मेजरमेंट में रॉन्ग साइज ऑफ द मोल्ड और उसके ब्लूप्रिंट की मिस्टेक है, प्रोडक्शन की मिस्टेक है। मशीन में मशीन माल फंक्शन है, मशीन माल फंक्शन क्यों, इम्प्लॉय का फॉल्ट है या मशीन का डिफेक्ट है, मतलब उनकी भी रीजंस है। यहाँ पे जैसे पुअर स्टोरेज कंडीशन है तो क्यों, क्योंकि वॉर्न आउट मटेरियल है। मेथड की बात करें तो रॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसीजर यूज किया गया है। एनवायरनमेंट की बात करें तो रॉन्ग प्रोडक्शन कंडीशन से, कैसे, या तो बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। पीपल की बात करें तो इम्प्लॉय का मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि उसने मिस्टेकन कर दिया मशीन की सेटिंग्स में, या फिर मिस्टेक इन प्रोडक्शन प्रोसीजर, या तो मशीन की सेटिंग में मिस्टेक कर दी, प्रोडक्शन प्रोसीजर में मिस्टेक कर दी, क्या कर दिया। तो ये सब मिलकर वजह बन रही है द पार्ट इज प्रोड्यूस्ड रॉन्ग साइज। और हम इसमें आगे देखते हैं फिश बोन की कुछ और एग्जांपल्स। तो देखिए ये है 8% ऑफ पेपर वेस्ट, अब हम इसको एनवायरमेंटल इशू में काउंट कर सकते हैं क्योंकि पेपर वेस्टेज हो रहा है। पेपर वेस्टेज होने की जो मेन रीजन है डैमेज्ड पेपर रोल एज रॉ मटेरियल, डैमेज पेपर रोल एज रॉ मटेरियल है तो उसकी क्या वजह है, इम्प्रॉपर स्टोर रूम, इसलिए वो डैमेज हो जा रहा है। फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग व लोडिंग एंड अनलोडिंग,
जब लोडिंग और अनलोडिंग उसका हो रहा है तब इम्प्रॉपर हैंडलिंग ही, क्योंकि मैनुअली हो रहा है वो लोडिंग और अनलोडिंग। फिर रिंकल्ड पेपर इन रोल, पेपर रिंकल करके मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो सप्लायर के एंड का इशू है। फिर दूसरा है व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट्स इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में स्पॉट्स आ रहे हैं क्योंकि रोल का हैंडल प्रॉपर नहीं हो रहा है। फिर लाइट एंड डार्कर शेड्स, लाइट और डार्कर शेड्स एंड मिस अलाइन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग सही नहीं आ रही है, लाइट और डार्क शेड आ रहा है क्योंकि ट्रायल एंड एरर टू गेट परफेक्ट शेड्स, क्योंकि उस पर ट्रायल और एरर हो रहा है बार बार। या फिर इंक का एडजस्टमेंट किया जा रहा है या आईपीए सप्लाई है। फिर इम्प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन फॉर्मेशन, इसमें कोई रीजन और नहीं आया है, तो इस कारण से 8% ऑफ पेपर वेस्ट हो रहा है। तो आई होप आपको फिशबोन डायग्राम्स क्लियर हुए होंगे। तो अब इसके प्रॉस और कॉन से आगे जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।